चाहिए। आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था जी, आपके लिए मामी का पहला शेयर कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून नीरज जी और सुदीप जी और कौरांग जी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और जो कड़ी रिजल्ट आए हैं इस तरह के उन्होंने पेश की मेरी नजरें वहां से हटी नहीं। 100% का राइज अगर दीपक नाइट्राइट की सेल्स में हमें देखने को मिला है जो इन्होंने पहली तिमाही के यहाँ पे नतीजे घोषित किए हैं FY22 के, और वही 200% का जंप इनकी नेट प्रॉफिट में है। तो जिस तरह के ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिक केमिकल्स बनाते हैं, वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंपनी ने सफलतापूर्वक यहाँ पे अपनी कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करी है। दूसरी तरफ ये परफॉर्मेंस केमिकल्स भी बनाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी की ऑर्डर बुक पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जो देखा जाए दीपक फिनोलिक्स जो है उसमें भी इनका मार्केट शेयर, क्योंकि फिनॉल और एसिटोन ये जो बनाते हैं वहाँ पे 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ये कमांड कर रहे हैं और बहुत सॉलिड डिमांड उस सेक्टर में भी हमें देखने को मिली है। तो दीपक मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि कंपनी को जो ये डिमांड आ रही है ये रहेगी। तो इसमें जो मैंने लक्ष्य दिया था वो 2380 का दिया था, क्योंकि ये मार्केट खुलने से पहले के टारगेट्स थे, लेकिन क्योंकि बहुत तेज ऑलरेडी ये खुल चुका है तो मैं यहाँ पे अपने लक्ष्य को रिवाइज करके 2500 तक के भी लेवल्स यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी लॉन्ग टर्म में। तो दीपक नाइट्रेट मुझे पसंद आता है क्योंकि इनका देखा जाए तो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई मैनेजमेंट भी मुझे काफी पसंद आता है। तो हर पैमाने पे दीपक नाइट्रेट मेरी यहाँ पे पसंदीदा शेयर रहेगा। राइट, जब से इन्होंने अपना फिनाल का नया प्लांट लगाया तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा और कितनी जबरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है जो देखते हैं।